हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ व्यूवर्स हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। चलो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है पाचन तंत्र। फ्रेंड्स, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। चलो फ्रेंड्स, हम अपने चार्ट पर आते हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा फ्लो चार्ट है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है और फ्लो चार्ट हम आपको आगे पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फूड को माउथ से अंदर लेंगे। ये क्या हो गया हमारा माउथ। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारी सलाइवा ग्लैंड होता है, इसके बाद ये जो हमारी ट्यूब है, ये कौन सी ट्यूब है? ईसोफेगस ट्यूब। ईसोफेगस के बाद क्या आया अपना? ईसोफेगियल वॉल। देन क्या आया हमारा? स्टमक। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले क्या आएगा? एक वॉल लगी हुई होगी, वो कौन सी वॉल होगी? ड्यूओडेनम वॉल। के बाद आई अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या आया? लार्ज इंटेस्टाइन। देन उसके बाद रेक्टम। एंड उसके बाद एनस। अब इनका अलग अलग वर्क समझते हैं। हमारा फूड इन सब से होकर एंटर करता है। चलो एक बार और देख लेते हैं। अपना फूड माउथ के थ्रू अंदर गया। अब हमने माउथ में फूड लिया, उसके बाद चबाया। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है? ये एक सेमी सॉलिड टाइप का होता है। इसका वर्क क्या है? जो हमने माउथ से अपने टीथ से फूड को चबाया था, टुकड़ों में किया था, वो सेमी सॉलिड एक लिक्विड होता है जो फूड को ईसोफेगस में ले जाने के लिए हेल्प करता है एक एंजाइम की हेल्प से। अब ईसोफेगस वॉल्व के थ्रू एंटर हुआ। एंटर कहाँ पे हुआ? अपने स्टमक में। जैसे ही हमारा फूड इस ईसोफेगस पाइप में आया, उसके बाद क्या हुआ? ईसोफेगियल वॉल खुली। खुलने के बाद स्टमक में आया फूड। स्टमक में ही सारा वर्क होगा। स्टमक में से HCl का सीक्रेशन होगा और जो हमारा फूड है वहाँ पे फूड को लिक्विड फॉर्म में ले आएगा HCl। HCl का वर्क हमारे फूड को बिल्कुल बहुत ही लिक्विड फॉर्म में कर देगा। यहाँ से क्या होगा, अपने स्टमक में जो स्टमक के बाद अपना जो सारा लिक्विड मटीरियल है वो कहाँ गया? डियोडर्नम वॉल्व में गया। खुली वॉल्व स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? जो भी हमने जिस टाइप का फूड खाया, हमने कोई प्रोटीन लिया, ग्लूकोज लिया, एनर्जी ली, कुछ भी लिया, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व हो जाएगा वो सब कुछ। ऑब्जर्व कैसे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हुआ। ऑब्जर्व होने के बाद लीवर में गया। लीवर में सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलेगी। ओके, जो हमने एब्जॉर्व किया था स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो तो चला गया अपना लीवर में। लीवर में मेटाबॉलिक प्रोसेस चली। देन उसके बाद जो हमारा वेस्ट मटीरियल बचा, मतलब अनडाइजेस्टेड मटीरियल बचा, वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? जो अपना वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब जो अपना लेस क्वांटिटी में थोड़ा बहुत वाटर बचा होगा वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। और फिर क्या फॉर्म हमें क्या मिलेगा अपने फूड से? बिल्कुल सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड चीज़ मिल गई। उसके बाद स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम में जाके जमा हो जाएगा। रेक्टम में जमा होने के बाद एनस के थ्रू बाहर चला जाएगा।
चलो एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, ईसोफेगस वॉल, स्टमक, लीवर, डियोडर्नम वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये तो था बेसिक कंसेप्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनके हम अलग अलग पार्ट के बारे में अपनी अगली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम फिर से समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले माउथ, फिर सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, ईसोफेगस वॉल, स्टमक, डियोडर्नम वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये हमारा फ्लो चार्ट है। ऑर्गन सिस्टम के इन सब पार्ट्स के थ्रू, ये सब पार्ट्स हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, इन सब पार्ट्स के थ्रू अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस होती है। इन सब पार्ट्स के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिटेल से पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ भी गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।